नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। समस्तीपुर जिले के मोहनपुर प्रखंड के अंतर्गत राजपुर जौनापुर पश्चिम पंचायत के कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर सरकारी योजनाओं को लेकर कई ऐसे परिवार गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। आज वो सरकार की योजना से काफी दूर हैं और वंचित भी हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पीएम आवास, नल जल, शौचालय, गली गली, अन्य योजनाओं से गरीब तबके के ग्रामीण महिलाओं में काफी उत्तेजित होते हुए अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में बहुत कुछ बोल दिया। ग्रामीणों ने सीधा सीधा आरोप लगाते हुए अपने प्रतिनिधि और सिस्टम पर भी वालिया निशान खड़ा कर दिया है। आज भी अनुसूचित जाति परिवारों में योजना को लेकर शोषण किया जाता है। आज इस पंचायत के कई ऐसे वार्ड हैं जो अपने आशियाने के लिए टकटकी लगाए हुए बैठे हैं और कई सरकारी योजनाओं से अभी भी वंचित हैं। आज यही शोषित और वंचित परिवार सरकारी योजना का लाभ न मिल पाने के कारण अपने दिल की भड़ास निकालते हुए R9 भारत न्यूज चैनल के संवाददाता चुन्नू कुमार सिंह से अपनी बात साझा की। पैसा बिहान निकलवा आई लाऊ न दिल पैसा या न घर निकल कौन लिया था अशोक राम। क्या नाम हुआ आपका? हमारा रेखा देवी। कहिया 500 रुपया। कौन पंचायत में है? दो वार्ड। कौन सा पंचायत है? राजपुर जौनापुर। वार्ड नंबर? दो वार्ड। आपका नाम? रेखा देवी। हाँ, क्या बोल रहा था? वो पैसा लिया 500 रुपया जो घर आया है 10 साल पहले। अच्छा, आप आज तक न पैसा दिया है न घर दिया है। अच्छा, आप लोग दलित परिवार से है ना? उसका सबूत होगा ना? क्या कारण नहीं मिलेगा तो वो सबूत मिलेगा ना? जो काहे नहीं मिलेगा उसका घर बनाने वाला जमीन न दिलेन तब कलकन की जे तीनों भाई के नहीं मिलेगा घर। इतना जमीन है हम कथी रोड पर पूछिए। 3 लाख रुपया कर्जा कर के तो घर बनाए हैं तो उसमें अभी न सीढ़ी बनाए न पखाना है। बेटा बेटी जवान है, नाती नतनी वाला है, बेटा फिर भी शादी करने वाला है। पूछो सबका कितना बड़ा बेटा है, बेटी है, बाहर बेटा है, ससुराल में बेटी है। जाते हैं संडास पानी करने के लिए, वो लाठी लेकर के दौड़ता है। खेत में नहीं जाने देता, किसी के खेत में जाएंगे संडास करने के लिए तो मारने के लिए दौड़ता है। शौचालय भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिला है। तो अपना कर्जा कर के बनाऊंगा, कितना दिन दिक्कत। यहाँ पर किसी को शौचालय नहीं मिला है, सरकारी नहीं है, किसी का बंद है, हमारे यहाँ बंद। हाँ। कहते कहते थक गए सर, घर पूरा बाढ़ आया उसमें पूरा दह गया घर, लीक कर ले गए सब कुछ। 500 रुपया भी लिए जो घर निकलवाता वो भी 500 रख लिए। 10 साल हो गया 500 रुपया लिए हुए, आज तक घर नहीं दिए। अशोक राम लिए, मुखिया है वो लिए, घर नहीं मिला, नहीं दिए, लीक कर ले गए, दिए नहीं। 10 साल हो गया, बताइए 10-12 साल हो गया, अभी तक नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला है। कर्जा को आम लेकर किस तरह गुजारा करते हैं? दो। क्या नाम हुआ? सीमा देवी। क्या बात है बोलिए। हमरा के घर न मिलल हन। अच्छा, हाँ दलित है। हाँ। अच्छा, क्यों नहीं मिला? घूस मंगाई छी, हम घूस न देवे चाहत छी। कौन मांग रहा है? अशोक राम। कौन है अशोक राम? मुखिया है। अच्छा, क्या मुखिया घूस मंगाई छी? यार कोई घूस मंगाई छी? पहले तो मुखिए मंगाई छै ना, के मंगाई छै सब के न कहवा हो, केकरा कहिए? पहले मुखिया ले छै तब ना मुखिया के कहबै। कितना मांग रहा है? 20,000। तब आपको घर मिलेगा? हाँ, ऐसा बात है। हाँ, चलिए ठीक है। मोहनपुर से चुन्नू कुमार सिंह की रिपोर्ट, R9 भारत। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।